हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारिक इन्फो। दोस्तों आज बारात है मेहमानी बरादरी की और इंशाल्लाह आज के लोगों में मज़ा आने वाला है और इसको एंजॉय करेंगे। मीरपुर खास से टू बांदी और इंशाल्लाह साथ रहिएगा तो आपको दिखाते हैं रहमानी कल्चर और उनकी बारात करते हैं एंजॉय, साथ रहिएगा। तो ये है जनाब बारात और बस में हम बैठ चुके हैं। इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी बस है और सारी रहमानी बिरादरी इसमें मौजूद होगी और इंशाल्लाह एंजॉय करते हुए चलेंगे। आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि रहमानी बिरादरी की बारात को कैसे एंजॉय करते हैं। और ये देखें यहाँ भी शादी है सिंधियों की, माशाल्लाह से ये कल्चर है। शादी हो रही है माशाल्लाह से और दो दूल्हे हैं। तो हमारे साथ हैं नन्नू भाई और मेहमानी बिरादरी के हमारे कज़न हैं, तो इनसे पूछते हैं कि पहले ज़माने में कैसे बारात जाती थी और ये उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या उसूल होते थे, क्या रवाज होता था। तो इनसे पूछते हैं, नन्नू भाई से साथ रहिएगा। बारात में जाते थे, शक्कर होती थी, शक्कर का भूरा होता था, असली घी होता था घर के अच्छा। अगले बारातियों के पास और अपने घर से खाना बना के जाते थे, रास्ते में बैठ के खाते थे। अच्छा, खाना जो है ना अपने बाराती जो लेके जा रहे हैं यही खिलाते थे। कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये तकरीबन 1985 की बात है। 1985 रहमानी बिरादरी। हाँ रहमानी, जब बहुत बना इतना नहीं होता था जितना शोर शराबा अब इस दौर में चल रहा है। सही सही, सादगी में जाते थे, बस के अंदर ही होते थे, दूल्हा भी बस में होता था, बारात माहौल बड़ा अच्छा होता था, माहौल अच्छा होता था, मोहब्बत होती थी। सही, इतना प्यार होता था, सुकून से हंसी मजाक इतना होता था, बेहद था। अच्छा, सही, एक दूसरे को चर्चे मारने, मश्करी करनी। सही, बूढ़े बूढ़े जो आपस पुराने बूढ़े होते थे वो आपस में इतने अब नजर नहीं आ रहे, सब जवान है, सारी जवान पार्टी बैठी हुई है। सही सही सही, वो दौर बड़ा अच्छा था, बड़ा सही, प्यारा सही। दौर था, मटके की ढोल बजती थी। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मना राग गाते थे, गाते थे मटके की ढोल के साथ। सही, शहनाई होती थी। हाँ शहनाई शहनाई बिल्कुल, ये चीज वो दौर खत्म हो चुका है, तेज दौर आ गया। यानी माशाल्लाह बहुत फास्ट दौर चल रहा, बहुत सही, बिल्कुल सादगी के अंदर जाती थी, बस एक ही बस होती थी बस। अच्छा, बस के अंदर ही दूल्हा आगे बैठता था। अच्छा, दुल्हन भी ऐसी साथ में आती थी, बीच में बस में बैठ। यानी देखा है अपने सिंध में रहमानी बिरादरी काफी बड़ी है। हाँ। जैसे कि नवाबशाह, छिट्टो, सांगड़, बहुत बड़ी है, खिपरो, हर जगह है। हाँ माशाल्लाह, बीपुर पास खाई, खाई खाई में बहुत गढ़ है। यानी रहमानी खाई, सही, लालाकोट पंजाबी, लालाकोट पुराने शहर बता रहा हूँ, खाई और लालाकोट पंजाबी पुराने शहर है। ये शहर है सही, जैसे इंडिया से आए थे बंदे यहाँ लालाकोट पंजाबी में और खाई में रुके थे। अच्छा, उसके बाद जिद्दो गए, जिद्दो के बाद फिर सांगड़ आए। अच्छा, सांगड़ से तो नवाब क्या निकले, कोई पंजाब निकल गया, कोई किधर निकल गया, कोई बांदी उतर गया, ऐसे मना उतरे रहे। सही सही, तो सफर हमारा जारी है। नन्नू भाई से आपने सुना और इनका यही कहना है कि पुराना दौर बहुत अच्छा था और बड़े धूमधाम से बारात निकलती थी, लेकिन आज का जैसा माहौल है, कल्चर है, सब चेंज हो चुका है। वो नन्नू भाई कह रहे हैं कि दूल्हा भी बस में ही होता था, लेकिन अभी दौर नया है, कार के बगैर मज़ा नहीं है, क्योंकि दौर बहुत तब्दील हो चुका है। और माशाल्लाह से सफ़र हमारा जारी है और
थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम सांगड़ पहुंचने वाले हैं। वहां से कुछ लोग बैठेंगे सांगड़ से रहमानी बिरादरी के, तो वहां से हम सीधा बांदी निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूं और बांदी शहर भी देखेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे बारात को, तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सांगड़ से नवाबशाह के लिए रवाना हैं, बीच में हैं तकरीबन, और हम नवाबशाह पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आएगा बांदी शहर। और ये देखें माशाल्लाह से सिंध की खूबसूरत ज़मीन है और ये सौंफ की फसल है माशाल्लाह। शहर है, बड़ा प्यारा शहर है माशाल्लाह से। दोस्तों फाइनली हम बांदी शहर पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह सिटी में दाखिल होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आज आगे जारी रखेंगे वीडियो को। पूरी बारात नीचे आ चुकी है, साथ रहिएगा इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। देने जो भी सरकार जवाब क्या पंजाब जो भी सवारी जब यहीं से मिलेगी आपको। अच्छा, सुबह में जिस टाइम भी चार सारी रात चलता है रोड 24 घंटे जमाना सभी से रोड सिटी से बाहर है। इंशाल्लाह बांदी शहर आपको दिखाएंगे, ये हमारी बस है, बारात आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं, तो दूल्हा अभी तक पहुंचा नहीं है और बस हमारी पहले पहुंच चुकी है। ये देखें, ये दोस्तों एक छोटा सा स्टाप है बांदी शहर का और माशाल्लाह से और ये बाहर की साइड है बांदी शहर की, तो माशा से यहाँ का ये रोड है और बस हमारी खड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह बैठते हैं बस में, तो वेट करते हैं थोड़ा। वैनें खड़ी हैं नवाबशाह जाने के लिए, ये देखें। तो भैया बस के सफ़र में तो काफ़ी हालत बुरी हो चुकी है और काफ़ी सालों के बाद मैं बारात में आया। तो दोस्तों बारात पहुंच चुकी है, बांदी शहर का। We'll be right back.
हमारी बारात दाखिल हो चुकी है माशाल्लाह से, और अभी हाल की तरफ जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। लेकिन ये है बांदी शहर, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत शहर है और लोग हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग हैं। बांदी शहर है माशाल्लाह से। बस आ रही है हमारी, चलते हैं बस में बैठते हैं। ये देखो माशाल्लाह बांदी शहर, और ये देखें इस्तकबाल हो रहा है। अच्छा शहर है माशाल्लाह से सिंध का, और बेहतरीन माशाल्लाह से बारात के साथ आए हैं। और देखें आप पैदल जाना पड़ रहा है, और क्योंकि हमारी बस निकल चुकी है, बारात में मसरूफ़ थे तो आपने देखा। देखें माशाल्लाह से ये कोई वायरलेस टावर है, देखें काफ़ी बड़ा है। हाल करीब है यहाँ से, तो इंशाल्लाह हम इंटर होते हैं हाल में। बारात तकरीबन पहुँच चुकी है माशाल्लाह से। ये चौक है बांदी शहर का मेन चौक, देखते हैं ये बारात है हमारी। और आ चुके हैं जनाब, हाल के करीब हैं, बारात भी पहुंच चुकी है। और माशाल्लाह से दूल्हा आ चुका है, एंट्री हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये है रहमानी बिरादरी की बारात। और आपने देखा, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में खाना आने वाला है, उसको एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी मज़ा आया। इस वक्त हैं हम ज़मीनों पर, इनके दरमियान बिल्कुल ये ज़मीनें हैं, और ये काफ़ी बड़ा टावर है देखें। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा। और बांदी शहर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत शहर है, एक छोटा सा शहर है। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।